मौत से जुड़ा एक मामला, कोर्ट के आदेश पर सीएचबी थाने में मुकदमा दर्ज। महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया। प्रियंका बिश्नोई के पिता की ओर से पेश किया गया था परिवाद। अधिवक्ता नमन मोनोत ने परिवाद पर रखा पक्ष, कहा उपचार में बरती गई लापरवाही। वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश। वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ जांचों की सरकार के उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है सामने। एक बड़ी खबर है इस वक्त की, आरएस प्रियंका बिश्नोई की जो मौत हाल फिलहाल में हुई उस पर यह पूरा मामला दर्ज हो गया। राकेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। राकेश, प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़ी क्या अपडेट्स हैं, क्या आदेश दिया गया उसके बाद मामला दर्ज हुआ? देखिए, जिस तरीके से आरएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की जो है अस्पताल में उपचार के दौरान जो मौत हुई थी, उस मौत के बाद लगातार बवाल भी मचा था। जिला कलेक्टर ने भी अपने स्तर पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। वो कमेटी आई, उसने जाँच की, लेकिन वो अब उस जांच की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई और न ही सरकार ने इस स्तर पर कोई एक्शन लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है उनके परिजनों को चिंता थी और उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है अपना परिवाद पेश किया। अधिवक्ता नमन मोनोत के जरिए सही राम जी ने, और परिवाद पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले को लेकर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश दिए। वसुंधरा हॉस्पिटल और उसमें जितने भी चिकित्सक थे जो इसमें शामिल थे, चाहे वो डॉक्टर संजय मकवाना हो, रेणु मकवाना हो, या जो गायनी विभाग की डॉक्टर थी, इन सब के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर इस पूरी मुकदमे की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बवाल मचा, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने आखिरकार जो है परिवाद पेश किया है। शुक्रिया आपका राकेश, इन तमाम जानकारी के लिए।